जो लोग हल्के में ले रहे हैं ना सब्जेक्ट को, मैं सही बता रहा हूँ, इसको हल्के में मत लेना, बिकॉज इसी की वजह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। इसको पहले से बड़ा कर देता हूँ ताकि लिखने के टाइम पे दिक्कत ना हो। चलो दोस्त, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स। जैसे आपका कोई रोल मॉडल होता है ना, आप किसकी तरह बनना चाहते हो? बड़े बिजनेसमैन की तरह बनना चाहते होंगे, बहुत से लोग एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते होंगे, ठीक है? तो आपके कुछ रोल मॉडल्स होंगे। तो मॉडल्स का मतलब क्या है? जो चीज़ मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, चल रही है अच्छे तरीके से, वहाँ के हिसाब से अलग अलग वो हो गए मॉडल्स। चलो एक बार थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो मॉडल्स क्या हैं, एंग्लो सैक्सन मॉडल, या फिर इसको एंग्लो अमेरिकन मॉडल ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेनली अमेरिका से ही स्टार्ट हुआ था। जर्मन मॉडल, जर्मन मॉडल को आपको, जर्मन मॉडल को इंटरनल मॉडल ही बोलते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, जर्मन मॉडल दोस्त आपको ये क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि मान लो आपके पेपर में इंटरनल मॉडल लिखा हुआ आ जाए, तो आप कहोगे सर आपने तो करवाया नहीं था, ठीक है? और इस मॉडल को आपको एक्सटर्नल मॉडल भी बोलते हैं। ये वाला पार्ट, मॉडल वाला पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, थ्योरी वाला पार्ट कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब इसमें क्या है दोस्त, देखो पहली बात तो उसमें ध्यान दो, ये मॉडल कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। अब इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो मैं बता दूँ तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे पहले वाला, ठीक है? अब इसको लिखना कैसे है वो भी साथ साथ में समझते हैं, समझेंगे पेपर में, क्योंकि बहुत आता है क्वेश्चन। आप सबसे पहले क्या लिख देना कि ये मॉडल का दूसरा नाम क्या है, आप उसका तीसरा नाम भी लिख देना, ये कार्ड का आंसर। ये हमने आज का कंटेंट ज़्यादातर हमने 10 ईयर में से उठाया, इसलिए आपको ये आंसर वहां से देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या लिख दोगे, इसका मीनिंग, दूसरा मीनिंग क्या है ये भी बोलते हैं, और ये भी लिख देना, एक्सटर्नल भी बोलते हैं इसको। मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल मॉडल भी बोलते हैं, या फिर यार सब समझ लो एक्सटर्नल मॉडल के अंदर आता है, ठीक है? सबसे पहले लिख देना कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, यहाँ यहाँ फॉलो किया जाता है ये मॉडल। अभी हम पढ़ेंगे है क्या, लेकिन कहाँ कहाँ फॉलो किया जाता है, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में मेनली ये फॉलो होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स कह रहा हूँ, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। अब इंडिया में भी ये, इंडिया पे भी अप्लाई होता है, ठीक है? अब देखो होता क्या है, इट हैज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर एक्ट एज सुपरवाइजर हु टर्न्स अपॉइंटमेंट द मैनेजर एंड मैनेज द बिजनेस। अब इसके लिए ना, अरे मैंने एक चीज आपकी छोड़ दी, छोड़ दी तो नहीं बोल सकते। आप एक चीज ध्यान दो, मैंने कहा ना आज की क्लास थोड़ी सी, जो हमने पहले दो मॉडल पढ़े थे वैसा तो जरूरत नहीं है, बट मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ। स्टीवर्ड मॉडल में देखो क्या था, ये पढ़ा था हमने कौन सा मॉडल दोस्त, ये पढ़ा था हमने, सॉरी थ्योरी, जो थ्योरी पढ़ी थी, अभी थ्योरी दोबारा, मैं थ्योरी दोबारा पे आ गया, ठीक है? थ्योरी पे शेयर होल्डर थ्योरी पढ़ी थी ना ये। अब इसी में मान लो, दूसरे क्लास लिखता हूँ, मान लो यही स्टीवर्ड थ्योरी होती, तो जो अपॉइंट कर रहा है इससे क्या होता, ये अपना समझ के काम करेगा, तो वो क्या बन जाएगी, स्टीवर्ड थ्योरी बन जाएगी, ठीक है? बस इतना डिफरेंस है। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किए गए हैं आपकी बुक में, स्टीवर्ड थ्योरी, ऐसा करके लिख देता हूँ मैं। अगर स्टीवर्ड थ्योरी का डायग्राम बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे, इसकी इसकी जगह क्या लिख दोगे आप, इसकी जगह लिख दोगे एम्पावर्ड एंड ट्रस्ट, एम्पावर्ड एंड ट्रस्ट। हमने भी पढ़ा था ना कि यहाँ पे क्या होता है, ट्रस्ट होता है हमारे मैनेजमेंट में कि ये काम ढंग से करेगा, और मैनेजर क्या करेगा, यानी प्रिंसिपल को इस पे भरोसा है पूरा, और ये क्या करेगा, अपना क्या करेगा, ऐसा काम क्या है,
प्रोटेक्ट एंड मैक्सिमाइज द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर होल्डर्स। ठीक है, आपने कहा सर इन दोनों को तो बना दिया आपने डायग्राम, अब सर इसका ही बना दो साथ साथ। स्टेक होल्डर का, स्टेक होल्डर का देखो क्या होता है। स्टेक होल्डर मैंने क्या पढ़ा था कि सबका ध्यान रखना पड़ता है, यानी जो कंपनी होती है कंपनी क्या करती है उसको क्या 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 लोग देखने हैं, इसको गवर्नमेंट को भी देखना है, इन्वेस्टर को भी देखना है, और क्या लिख दूं, एम्प्लॉय को भी ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है, शेयर होल्डर को भी ध्यान रखना है, और इसको क्या ध्यान रखना है, कंपनी होगा, शेयर होल्डर होगा, गवर्नमेंट होगी, शेयर होल्डर होगा, मैनेजमेंट भी होगा यानी मैनेजर, और ये बहुत सारे लोग होते हैं जो भी रिलेटेड होते हैं ना कंपनी से, वो सब इसमें आ जाते हैं दोस्त। ठीक है, इस थ्योरी में सबको ध्यान में रखना पड़ता है, सबको ध्यान पे लेकर चलना पड़ता है। तो अगर ग्राफ आ जाए और आप ग्राफ लिख पाओ, याद आ जाए, तो आप ये चीज़ लिख सकते हो। चलो बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्लो सेक्शन सेक्शन मॉडल। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है, इतने पढ़ा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर एक्ट एज सुपरवाइजर हु इन टर्न्स अपॉइंट द मैनेजर टू मैनेज द बिजनेस। दिस मॉडल रिलायस ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द शेयर होल्डर्स बोर्ड एंड मैनेजमेंट विद, क्या लिख दिया, विद इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। ये लाइनें पढ़ के आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये है आपकी एजेंसी थ्योरी, और काफी हद तक आप सही भी हो। ठीक है, बट यहां पे क्या है, मॉडल्स क्या होते हैं कि ये चीजें ना एक्चुअल में अप्लाई हो रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, इसलिए मॉडल थ्योरी, ये मॉडल कहलाया जाता है, वो थ्योरी अलग होता है। ठीक है, थ्योरी क्या होता है, सिर्फ सोच है, ये क्या होता है, ये चीज़ें फॉलो हो रही हैं। सर क्या फॉलो हो रही हैं, सेम टू सेम जो आपने थ्योरी में पढ़ा था ना, वही कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में कि मान लो अगर आपने, आपको कन्फ्यूजन हो भी गई पेपर में, या फिर आप रिवाइज कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, या तो थ्योरी आएगी कोई, या फिर आएगा कोई ना कोई मॉडल, और अगर आप थोड़ा बहुत वो चीज़ लिख भी देते हो तो भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज़ देख लेता हूँ, वहाँ पे कोर्स में है कि नहीं है। ये काफ़ी हद तक आपका वही दिखेगा आपको यार, ठीक है, पहला वाला जो मैं थ्योरी पढ़ी थी, तो इसमें वैसे ही सेम चीज़ होगा कि शेयर होल्डर बोर्ड को अपॉइंट करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करेंगे उसके बिहाफ पे, लेकिन इसमें ये चीज़ होगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा नहीं है कि उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल नहीं है, उनके पास भी डिसीजन मेकिंग पावर है, लेकिन कुछ बड़े मैटर्स ऐसे होंगे जहाँ पे इनको शेयर होल्डर की, यानी देखो इम्पोर्टेंट डिसीजन पे, ठीक है, सिर्फ इम्पोर्टेंट डिसीजन पे आप इनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किसकी, शेयर होल्डर की। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, अब याद रखना, अब इसको मैं बहुत डीप में नहीं समझा रहा, बहुत घुस कर समझाने का फ़ायदा नहीं है, वो कोर्स का कोई पार्ट भी नहीं है, और अगर है भी तो वो चीज़ अगर मैं आपको समझाने लग जाऊँगा ना, इसी में 2 घंटे लग जाएंगे, प्लस पेपर में वो नहीं आता है उतना डीप। ठीक है, आप ये समझ के चलो कि इसमें भी सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये चीज़ एंग्लो अमेरिकन मॉडल या फिर एंग्लो सैक्सन मॉडल अप्लाई कहाँ होता है, ये अप्लाई होता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में, आपको 2-4 कंट्री याद रखनी है, US UK याद हो ही जाएगा, US UK कनाडा और इंडिया भी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, सारे सिंपल कंट्री हैं, सारे डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग नहीं है,
अब इसके ना फीचर्स, जब भी इनमें से कोई मॉडल्स आएगा तो साथ में कुछ कुछ ना कुछ आपको फीचर्स भी लिखने होंगे, ठीक है। फीचर्स जो हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया था पहले या सेकंड सेकंड क्लास में, फीचर्स क्या होता है दोस्त, जो फीचर्स आपके डेफिनेशन में से निकल के आ जाते हैं वही आपके फीचर्स होंगे, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। देखो पहला फीचर क्या है, ऑनरशिप ऑफ द कंपनी इज मोर और लेस इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इंडिविजुअल शेयर होल्डर एंड इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर। देखो ये पॉइंट ना क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, चलो देखते हैं एक बार। ओनरशिप मतलब शेयर होल्डर, इस मॉडल के अनुसार ये मॉडल क्या कहता है, जो शेयर होल्डर्स है ना वो मोटा मोटा डिवाइडेड हैं सब में, यानी एक मिस्टर ए के पास भी, मिस्टर ए बी सी यानी जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं उनके पास भी लगभग इक्वल नंबर ऑफ शेयर हैं, एंड जो कंपनी है मान लो किसी एक्स वाई जेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, या फिर कोई फॉर्म है, मान लो मेरी कोई फॉर्म है जैसे अजय एंड एसोसिएट, मेरे इनके पास भी शेयर हैं, ठीक है, मान लो इंडिविजुअल शेयर भी हैं और कुछ इंस्टीट्यूशनल शेयर भी हैं, मान लो किसी बैंक के पास भी शेयर हैं, ठीक है, जो लोगों का पैसा इस ऑर्गेनाइजेशन में लगा है, ठीक है, वो लगभग लगभग बराबर लगा होगा, उनको बराबर ध्यान दिया जाएगा। मुझे पता है कंफ्यूजिंग हो रहा है, फिर समझाता हूँ। कंपनी है, कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी राम लखन मोहन जो भी नाम है, लोगों के पास शेयर्स होते हैं, कंपनी के शेयर किसी दूसरी कंपनी के पास भी हो सकते हैं, जी सर हो सकते हैं, कंपनी के शेयर कुछ बैंक के पास भी हो सकते हैं, जी हो सकते हैं, अगर बैंक के पास नहीं भी हैं तो भी क्या होता है दोस्त, बैंक से कंपनी ने लोन ले रखा है तो बैंक का भी थोड़ा बहुत हक बनता है कंपनी पे, अगर कंपनी सही से काम नहीं करी तो बैंक का भी हक बनता है, क्यों, क्योंकि उसे देखना पड़ेगा कि भैया उसका कर को लोन चुकेगा नहीं चुकेगा, ठीक है। तो ये सारे लोगों का बराबर बराबर कहीं ना कहीं हक डिवाइडेड होता है, यानी बराबर इनको हक मिलेगा, इनका ये पॉइंट क्या था, लेकिन लाइन लिख के लिखी हुई लाइन से समझ में नहीं आएगा कि ऐसा ये पॉइंट ये बोलता है, ठीक है। तो जितने भी शेयर होल्डर हैं सबका लगभग लगभग हक होता है कंपनी में, इन सबके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन सारे कौन है यहाँ पे, कहीं ना कहीं शेयर होल्डर हैं यानी मालिक हैं कंपनी के। अगला पॉइंट, कंपनीज आर टिपिकली रन बाय प्रोफेशनल मैनेजर हु हैव नेग्लिजेंस ओनरशिप इन द स्टेक। जैसा हमने पहली वाली थ्योरी में पढ़ा था शेयर होल्डर थ्योरी, वही पॉइंट है, देखो यहाँ पे सेम पॉइंट है, कंपनीज चलाएंगे कौन, प्रोफेशनल मैनेजर चलाएंगे, प्रोफेशनल मैनेजर कौन था, जिनको जिन्होंने भाई एमबीए एमबीए किया होता है, बड़े बड़े कंपनी में काम किया होता है वो लोग चलाएंगे, उनके पास लेकिन ना के बराबर शेयर्स होते हैं, नेग्लिजिबल, यही चीज हमने सबसे पहले वाले थ्योरी में भी पढ़ी थी, इसलिए बोल रहा था कि कंफ्यूज हो गए, और हो भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि चीज ही ऐसी है, लेकिन ये चीज क्या है मॉडल्स के होता है कि ये कहीं ना कहीं फॉलो हो रहे हैं आपके, एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या थे थ्योरी क्या थे, सिर्फ एक थ्योरी थी, एक सोच थी, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं फीचर्स, अगला फीचर कौन है, थर्ड, द साउंड लीगल सिस्टम एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट ऑन कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर एंड इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर। अब इसमें क्या होता है एंग्लो सैक्सन मॉडल में, कि इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, और इनसाइडर ट्रेडिंग से प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अब आप पूछोगे सर इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता सुन लो, और इसका पूरा टॉपिक आएगा आगे किसी क्लास में, जब भी इसका टॉपिक आएगा तब अच्छे से पढ़ेंगे और ज्यादा, अब यहां पर समझ लेते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब जो कंपनी के अंदर ही बंदा है वही कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, उसकी वजह से बेनिफिट पहुंचा रहा है अपने आप को या किसी तीसरे बंदे को, जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि टेंडर पास हुआ है ना, हीरो के बाप को या फिर विलेन विलेन को भी होता है कई मूवीज में, और टेंडर उसको नहीं मिला, टेंडर किसी और का पास हो गया, क्यों, क्योंकि टेंडर का जो इन्फॉर्मेशन थी ना वो उस कंपनी का एम्प्लॉय ने दूसरे कंपनी को दे दिया था, कुछ पैसे ले गए, ठीक है। तो वो जो बंदा है जो अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन दूसरे को दे रहा है और फायदा उसको पहुंच रहा है दूसरे बंदे को, उस बंदे को बोलेंगे इनसाइडर, और इस पूरे काम के से जो घाटा हो रहा है, ऐसी जो हो रही है, जो ये प्रोसेस हुआ इसका काम उसको मिल गया,
इस कंपनी को जो टेंडर मिलना चाहिए था उसको मिल गया, इसे बोलेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग। और यही चीज होती है शेयर मार्केट में, इसलिए ट्रेडिंग वर्ड आया है। ठीक है, शेयर मार्केट में ये चीज होती यूज होती है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन निकल जाती है, कोई अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल लेता है और उससे ये पता चल जाता है कि इसका शेयर आगे को बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं, उसी हिसाब से लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें कंपनी कुछ अंदरूनी जानकारी मिल जाती है। अभी के लिए इतना समझो, जब पूरा टॉपिक आएगा तो इसको दोबारा अच्छे से और अच्छे से समझेंगे। अगला पॉइंट क्या है, इन्फ्लुएंस ट्रेड यूनियन मच लेस एज द मॉडल डज नॉट अलाउ फॉर लेबर। देखो अब इसमें क्या होता है ना, क्योंकि काम तो यहाँ पे भी मेन डिसीजन तो शेयर होल्डर का ही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं उनकी ज़्यादा सुनवाई नहीं होती। ठीक है, जो आपने मूवीज में देखा है ना, लेबर का वो बन जाता है एक बंदा लीडर, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे अभी, लेबर यूनियन होती है, तो उस यूनियन का जो लीडर होता है वो लीडर कहता है अपनी भी चलाता है चीज़ें, कि ताकि सारे लेबरों को जितना पैसा मिलना उतना मिले, उनके लिए प्रोटेक्शन मिले, किसी लेबर को कोई दिक्कत हो जाए, बीमार हो जाए तो उनको उसके खर्चा भी मिले, जो भी लेबर यूनियन का काम होता है। तो इस मॉडल में क्या है दिक्कत, इस मॉडल में ये दिक्कत है सबसे बड़ी, कि यहाँ पे ना बाकी लोगों को ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, उनसे डिसीजन विसीजन के लिए नहीं पूछा जाता, कि शेयर होल्डर बोलते हैं कि अरे हमें पता है कंपनी कैसे चलानी है, लेबर लोग तुम काम करो बस, लेबर हो गया एम्प्लॉयज हो गए कंपनी के, तुम काम करो जैसा हम कह रहे हैं, अपना ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा सजेशन मत दो। ठीक है, तो ये लेबर वगैरह को एम्प्लॉय वगैरह को डीमोटिवेट करता है एंग्लो सैक्सन मॉडल। ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत कम समझ में आया डोंट वरी, जब नेक्स्ट वाला मॉडल पढ़ेंगे तो ये वाला पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएगा।